कुठं चालला होता म्हणून? पाली गणपती मंदिर. का बर? असंच 2004 जर किस्से बरं जाणून पण ऐकलं असं झालं. आम्ही कोणत्याही मोठ्या क्लाइम्बिंगला जाताना गणपतीला पाया पडायला येतो पप्पाच्या. कुठला गणपती काय कावर? पालीला आलोय बल्लाळेश्वर गणपती. आमच्यासाठी ती पॉझिटिव्ह एनर्जी आहे असं पकडू. बरं वाटतं जरा आल्यावर शांत वाटतं. उसका सही नाम जो अक्षर आते ना उस नाम से उसका नौश नाम है, नौश. और गणेश जैसा वो पैदा हो गया वैसे वो डॉक्टरन थी, वो बाहर आई और दादी को बोले अरे तुम्हारा गणेश हो गया, गणेश आया, गणपति आया. गणपति के दिन ही छो गए वो अपने गणपति बैठते उस टाइम में, तो वो जो उसको नाम गणेश गणेश पड़ा वो गणेश ही छो गया. He didn't wanted to study, so he left his school. फिर वापस वो इधर लोनावला में आया, इधर डेला में उसने जॉब मिला उसको. उसका जो लाइफ है अभी बहुत अच्छा दिखता है, पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में गया है. हमने राजस्थान लोगों को राम पकाना है. थैंक यू. मेरे मागे टाक मन लो, मागे टाक. रोहित को तो मैं 20 साल से जानता हूँ और मेरे सामने बड़ा हुआ, लेकिन उसका पहला इंटरेस्ट था वो सांप पकड़ने में. ऐसे था ही वॉज अ सेंटर पॉइंट इन द क्लास, क्योंकि वो एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा था जो कॉमन मैन नहीं कर रहे हैं. सो गणेश और मैं लाइक सेम इंटरेस्ट की वजह से हम लोग मिले. वो भी स्नेक कैचिंग करता है एंड मैं भी स्नेक कैचिंग करता था, और उसके बाद वो भी क्लाइंबिंग करता है, मैं भी क्लाइंबिंग करता था. तो लोनावाला में गणेश जॉब के लिए आया तो हम लोग मिले, फिर उसे स्नेक बाइट हो गया. तो मेरे पेट में ऑलमोस्ट 150 स्टिचेस थे, उंगली में रॉड था. तो मैंने ऐसे ही रोहित को बोला रोहित क्लाइंबिंग करना, तो चल पैसे कितने हैं पहले, 500 रुपये जेब में, चाइनीज़ के खर्चा 200, अच्छा 200 के पेट्रोल में जाके आएंगे. ऐसा हमारा फर्स्ट प्लान हो गया. ज़्यादा बड़ा नहीं था क्लाइंब, अराउंड 180 फीट रहेगा, और हमारे दोनों के पास एक ही इम्पोर्टेड हार्नेस था. तो मैं तो तभी इंडियन पहनता था और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे हार्नेसेस होते हैं इम्पोर्टेड. सो इस हालत में हम लोगों ने क्लाइंब कर लिया. बट उस टाइम हमारा बॉन्डिंग नहीं था. उसके लिए मैं क्या हूँ फील्ड पे उसको मालूम नहीं था, मेरे लिए क्या है वो है मालूम नहीं था. वॉल हो या पिनाकल हो या बोल्टेड रूट हो कि डिसाइड करते थे क्लाइंब करके आ जाएंगे. हिलटाइल बैला, वजीर, वन ट्री हिल्स, बहुत सारे देवनी, बहुत सारे क्लाइंब स्टार्ट हुए. क्लाइंबिंग के साथ साथ और चीज़ें भी बढ़ने लगी लाइक रेस्क्यू और घूमना. धीरे धीरे फिर बड़े क्लाइंब करने लगे, बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे. जैसे रोहित मिला हमारे क्लाइंबिंग बढ़ने लगे और हमारा बॉन्डिंग बढ़ने लगा, वो चार बढ़ने लगे और वापस वो दिमाग में चालू हो गया बॉस कोकणकडा क्लाइंब करना. We packed all our stuff, these guys packed their vehicles and everything and we started our journey. All of us, we were just thinking what challenges will come when we'll reach there. After that, we checked out the weather forecast. 12-13 hours of Kokankada. And the clear out there. Okay. After that, the moon came out. The clouds were up. And the udaya ke pura bahut pura gire. Bar. अपन पासनेला पोहोचलोय इतना जवळजवळ. विथ लोड सामान तुम्ही पार्टनर कार्य कराल तर 1-2 तासाचा ट्रेक आहे. पावसाचं वातावरण आहे, थोडंसं चांगलंही आहे. पाऊस होऊन गेला 2 दिवस तर थोडं टेम्परेचर वाईज फरक पडेल. माशा आहेत त्या जायचा चान्सेस आहे. जर्नी सबसे इम्पोर्टेंट थी क्योंकि हम लोग वहाँ पे पहले भी 2 बार जा चुके थे। क्लाइंबिंग पेक्षा जास्त झंझट ट्रेकिंग में रहते। एकदा अल्पाइन करून बघा। आमच्यासाठी पहिला एक्सपीरियंस होता तो आम्ही पूर्ण नाही करू शकलो, पण नेक्स्ट टाइम नक्की करू। खूप खंत वाटते त्या गोष्टीची, त्याची खुन्नस आता आम्ही त्याच्यावर काढतोय। बिग प्रॉब्लेम इज गोइंग ऑन हनी बी अटॅक। तिथून सगळे उतरले खाली बिकॉज हनी बी अटॅक झाला। सो आता मे बी हमें क्लाइंबिंग छोड़ावा लगना है। बेसिकली हमारा फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट जो है वो बिकॉज ऑफ बीज, हनी बीज की वजह से हमारा वो फेलियर हो गया बिकॉज रूट पे बीज थे। तो ये एक मेंटल ब्लॉक था हमारे लिए कि हम लोग एक ही सर्टन लेवल तक जा रहे हैं और रिटर्न आ रहे हैं, फेलियर है। लेकिन वो फेलियर वेस्ट नहीं किया क्योंकि उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस बढ़ गया। बिग वॉल कैसे करें, क्योंकि ये बिग वॉल बाकी बिग वॉल से बहुत डिफरेंट है। नेचर कौन सी तरफ बढ़ता है, नेचर्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, सीज़न वाइज कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है, ये नॉलेज हमारा बहुत कम था। तो हम लोग ने थर्ड टाइम डिसाइड किया कि भाई कुछ तो भी चेंजेस करना पड़ेगा। पहले 2 अटैम्प्ट हम लोगों ने इमीडिएटली आफ्टर रेनी सीज़न किए थे। तो हमने इन्फॉर्मेशन निकाली कि कौन सा वेदर अच्छा है कि कोकणकडा क्लाइंब कर सकते, हनी बीज कम होती है। तो बची सिर्फ रॉकफॉल जो कि हमेशा रहने वाला है। वहाँ मेजर प्रॉब्लम कोकणकडा का यही है कि रॉकफॉल और हनी बीज। बोल नहीं सकते कितना बड़ा रॉकफॉल होता है, जो चीज़ पे क्लाइंब कर रहे वही पूरी गिर गई तो कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत मुश्किल। आप ये देखें तो ये रोंगटे आ रहे हैं। इस टाइम हमने डॉक्टर रखा था, इस टाइम हमने शूटिंग के लिए और रेस्क्यू के लिए चेयर रेडी रखा था। तो सिर्फ दोनों का ड्रीम नहीं रहा, इसके बाद बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, फ्रॉम लाइक स्पॉन्सर्स, फ्रेंड्स, फैमिली और पूरी शिवदुर्ग टीम। फील्ड में से भी कुछ कुछ टेक्निकल बंदे हम लोगों ने बुलाए थे, तो ये हमें टेक्निकल सपोर्ट कर सकते हैं। इस बार हमें क्लाइंब करना ही था, थर्ड एंड लास्ट अटैम्प्ट ऐसा दिमाग में था।2004 में मैंने फर्स्ट टाइम कोकणकडा देखा था। सो अराउंड मैं 20 साल का था, तो आप यंग ब्लड जो। सो वो टाइम पे वो क्रेज़ रहता है कि बॉस मुझे क्लाइंब करना है। और हमारे ग्रुप में कई बहुत लोगों ने वो अटेम्प्ट किया हुआ था, उनसे सुना हुआ था कि हम इधर तक जाके छोड़ दिया। एंड विदिन 3 मंथ्स 4 मंथ्स मैं वही ग्रुप में लीड क्लाइंबर बना था। सो आई एम इन हाई लेवल, बस हम कोकणकडा भी करेंगे, तो वो दिमाग में बैठ गया। तो करना ही है, ये सोचा था। हर एक क्लाइंबर को कोकणकडा और क्या बोलते हैं, एक ड्रीम होता है कि हमें कोकणकडा क्लाइंब करना है। गणेश ने रोहित को बताया था कि कोकणकडा क्लाइंब करना है, और जब रोहित ने कोकणकडा देखा तो उसके मन में जो अटैचमेंट बेच गई, उसने बोला भाई ये मेरा ड्रीम क्लाइंब है। उस वहाँ से उसका मतलब जो नाम पड़ गया ड्रीम क्लाइंब। Dream climb. So this is our dream climb. That kind of sudden exposure, that kind of depth, I have never seen anywhere else. तो आपने कोकणकडा देखा हो तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें खास बात है, किसी आदमी को हाइट की अगर एलर्जी रहेगी तो उधर पाँव भी नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो 1800 फीट गहरा है और तीनों साइड से उसको रॉक आया हुआ है और बीच में एक उसको जैसे अपना कड़ई रहता है वो टाइप का वो बना हुआ है हवा की वजह से। तो एकदम हॉरर है, जो जाएगा उसको डेरिंग है वही जाएगा उधर, बाकी कोई नहीं जा पाएगा। अगर आप एक बड़ा पत्थर भी डालेंगे ना, वो भी आपको वाइड फोर्स से पिछाता हुआ दिखाई देगा। वाह वाह अगर आप मॉर्निंग में देखोगे ना तो ऑलमोस्ट वो हाफ जो है वो पूरा फॉग से कवर रहता है। तो आप ऊपर रहते हो, क्लाउड्स नीचे और इनसीन। अलग ही दुनिया होती है वो। आप जब देखते हो तो फॉग आता है, चला जाता है, बहुत मूवमेंट रहती है कोकनकाडा में। और अगर पीछे से अगर सन आए तो आपका शैडो वो फॉग में दिखता है, साइड में रेनबो होता है और इसमें आपका शैडो दिखता है। इंद्रवचो बोलते हैं। इट्स लाइक एन अलाइनमेंट ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग एट दैट वन पर्टिकुलर स्पॉट। मतलब महाराष्ट्र की सबसे बेहतरीन जगह यही है कि हर कोई ट्रेकर उधर जाना ही चाहता है। ग्लेच में जब सो के देखता हूँ तो आँख में से पानी तो भी आ जाता है, मैं तो फट तो भी जाती है। क्या उसका मालूम ही नहीं है, उसका अलग रंग क्या है उस कोकनकाडा के बारे में। तो कोकनकाडा 3 स्टेज में क्लाइम होता है। फर्स्ट स्टेज 800 फीट पे जहाँ पे एडवांस बेस कैंप लगता है, सेकंड सताना लेज एंड थर्ड टॉप। तो जब हम लोग नीचे दिखते हैं तो लाइक बहुत हिप्नोटाइज जैसा होता है कि लाइक मैं गिर रहा हूँ ऐसे होता है। मुझे तो बहुत लाइक डर है उसके बारे में मुझे। इट्स लाइक ईगल अपने पूरे विंग्स फैला के खड़ा है एंड इट्स वेरी डेंजरस बिकॉज उसके यहाँ पे जो भी अटेम्प्ट्स हुए गणेश का जो। सो बेसिकली हमारा रैपलिंग कैंप चालू था एंड सडनली रॉकफॉल होता है, स्टोन्स फॉल होते, मतलब छोटे स्टोन गिरते, कभी कभी बड़े रॉक। हमने बड़ा क्लिप फॉल होते हुए देखा। सो नेचुरली वो गिर गया था। वो क्लिप का साइज था अराउंड 60 फीट बाय 80 फीट और ओवर उसका थिकनेस रहेगा 60-70 फीट बिकॉज कोकनकाडा कम्प्लीटली कर्व है। उसके बीच में के पैच गिरते रहते, छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते, लेकिन ये इतना बड़ा पैच उधर के लोग भी बोलते कि हमने 40-50 साल में कभी नहीं। वो हमारे आँख के सामने नीचे गिरा। नसीब हमारा बंदा रैपल के बीच में नहीं ना, नहीं तो उसको लेके जाते थे। रोप ऊपर वाले बंदों को लेके जाते। नीचे हमारे जो बंदे थे वो कैसे वैसे छुपे, बट हमारा नसीब अच्छा है, कोई मरा नहीं। बिकॉज रॉक गिरने के बाद बड़े बड़े पत्थर ऐसे वाटरफॉल जैसे बह रहे थे और ये सब अंदर छुपे थे। और आखिरी कचरा, मतलब आखिरी जो रॉक्स आके सब सरक के स्लाइड होके टच होते, उससे हमारे 4 बंदे मेजर इंजर्ड हो गए। एक का हाथ इधर से पूरा टूट गया, एक का सिर पूरा फूट गया, एक का पैर इधर से टूट गया और बाकी छोटा मोटा इंजरी जो हुआ था वो तो बहुत बंदों का। तो देखा हुआ था कोकनकाडा में क्या गिरता है और हमेशा होते रहता है। मैंने पहले भी क्लाइम किया था कोकनकाडा में, तभी हमेशा रॉकफॉल की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब बीच में सोए हो, लेज पे भी वॉक किया हो तो रात में कभी भी आवाज़ आती है रॉकफॉल की। तो रॉकफॉल मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आपका लो कर देता है क्योंकि उसके लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आज वो याद आया ना, फिर भी डर लगता है। हमेशा जब प्लानिंग होती है तो गणेश का बहुत ज़्यादा उसमें रोल रहता है। तो कहाँ से जाना है, क्या क्लाइंब करना है, ऑब्वियसली ये सब ग्रुप डिस्कशन होता है, टीम वर्क रहता है, बट मेजर रोल गणेश का रहता है इसमें। तो बेसिकली रोहित और मेरे प्लानिंग के हिसाब से शिवदुर्ग टीम कंप्लीट जो है वो टॉप पे जाएगा। एडवांस बेस कैंप पे फोटोग्राफी टीम सेट हो जाएगा, रेस्क्यू टीम सेट हो जाएगा। हमने हमारे साथ एक डॉक्टर कैरी किया था, वो उधर सेट हो जाएगा। देन बेस में एक टीम सेट हो जाएगा। देन रोहित और मैं, हमने पूरा एंकरिंग चेक करके हम बेस तक जाने वाले थे और दूसरे दिन सुबह क्लाइंब स्टार्ट होने वाला था। गणेश का वो ऐसे एटीट्यूड बोलूँ या कैसे पता नहीं, बट ही ऑलवेज लव्स टू टेक द डिसीजन एंड वो ज़्यादा किसी का सुनता नहीं है उससे कि अगर मैं सामने वाला अगर बोल रहा आप ये चीज़ ना करो तो वो सुनेगा नहीं। उसका ऐसा रहता है कि हाँ मैंने ये प्लान किया है ना तो ठीक है बस, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन। हाँ समवेयर मेरा ऐसा है कि बॉस मैंने बोल दिया करना है तो करना है, बट डिस्कशन ज़रूर होता है और आई थिंक आज तक कोई डिसीजन गलत नहीं हुआ है। काय संबंध हसना mission accomplished होते माझे। Going there down and kind of making myself calm and kind of I wanted to make that space become my home for the next few days. Have fun bro. Thank you Ganesh. Hi. ठीक है ना फोटो कर। हाथ संभालो। चल रोहित बेटा, जब कोकनकाड़ा को निकले और जैसे पूरा हक करके ऑल द बेस्ट कर रहे थे तो मैंने सोचा यार ये क्या है, मतलब जैसे कि आखिरी टाइम मिल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी, मतलब ऐसे कभी किया नहीं था किसी ने और सिर्फ कोकनकाड़ा के टाइम पे ही क्यों कर रहे हैं। मैंने बोला रोहित सर ये क्लाइम करने वाले हो तुम? बोले हाँ। बोला यार क्या ये कोकनकाड़ा इतना रोफ, मेरे को इतना रोफ कैसे गया क्लाइम यार। मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैं कोकनकाड़ा क्लाइम करूँगा क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज़ है और मैं पहले बहुत छोटा क्लाइंबर था तो मुझे कभी मैंने ट्रस्ट नहीं किया कि मैं कभी क्लाइम करूँगा। देख के ही डर लगता है अरे यार ये इतना बड़ा है हो पाएगा नहीं, तो पहले तो चीज़ कॉन्फिडेंस चाहिए। एवरीथिंग इज़ सो मैसिव कि आपको डर नहीं लगता है लेकिन डर आपको इसका लगता है कि सब कुछ इतना बड़ा है। तो ऊपर का 1000 फुट वो कंप्लीट राउंड है, इतना ओवरहैंग। सो आप क्लाइंबिंग करते हुए भी वो आपको ओवरहैंग कंप्लीट उल्टा करते जाना है, मतलब वर्टिकल हाइट 800 फीट है लेकिन ये हाइट ऑलमोस्ट 1000-1200 फीट हो जाती है। तू पण पहिल्यांदाच रॅपल केलं? आम्ही केलं नाही नाही, टी-शर्ट चेंज करून आरामात होता आहे। हे गाय कसं तुला सांगितलं का आपण क्लाइंब नाही करत, आपण तिघं क्लाइंब करतो सिरियस करणार ना एवढं काय। फिर वहाँ पे जाके थोड़ा प्लानिंग में चेंजेस हो गया कि दो जन में मटेरियल हॉल करने को प्रॉब्लम आएगा, तो तीसरा योगेश का एंट्री हो गया। योगेश को हमने वो लास्ट मोमेंट तक बताया नहीं, उसको सरप्राइज दिया मिडल स्टेशन पे कि अभी तुम टीम में ऐड हो रहे। ऊपर कितना इज अ बीस्ट, उसको देखोगे इनसेन पावर, लाइक जो रॉक पे खेलता है वो ऐसा कोई नहीं खेलता। कैन लेके जाएंगे, मुझे नीचे 40 लीटर कैरी करना है हम तीनों को मिलके हमारे लिए, हाँ। 3 कैमल बैग और रात को हमको लगेगा उतना कितना पानी डम करना। Best camp. This is a bedroom. That is kitchen. This is hall. Ganesh, bag ikade. दुपारी निकाल ना पर्वता तुझ्या अंगावर ठेवणार आहे, तरी आम्हाला आमच्या आतनं काही चुकी तरी तू सांभाळून दे। आमची जी काय क्लाइम्बिंग करायची इच्छा आहे ती पूर्ण होईल। तरी बाप्पा मोरया best sampoja ani sampoja hai तो फर्स्ट जो 350 फीट का जो पैच है रोहित ने और मैंने पहले क्लाइंब किया। फिर जो हमारा इक्विपमेंट्स है, पानी है, क्योंकि हमने वहाँ से अल्पाइन स्टार्ट किया था। तो अल्पाइन के लिए जब अल्पाइन का रूल है कि आप दूसरे की मदद नहीं ले सकते, जो आप पानी लेके जा रहे हो सब आपको खुद को कैरी करना है। बाकी एक्सपीडिशन में क्या है, सपोर्ट टीम आपको हेल्प करती है, पानी खींचना है, पानी देना है, तो वो सब हमें रिक करना था। हम लोग ये कभी भी कर सकते थे, क्योंकि अगर ऊपर से रोप सप्लाई है, नीचे से पूरा सामान कैरी नहीं करना है, इतना वेट अगर सप्लाई हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें आसान होती है। तो सिर्फ क्लाइंब के ऊपर फोकस करना है, तो ये पहले अटैम्प्ट में ही हो जाता था एक्चुअली। लेकिन अल्पाइन करना ही हमारा एम था। ऑलमोस्ट हम लोग 60+ लीटर पानी ऊपर खींचा था, प्लस गियर प्लस फूड, तो और उतना ऊपर लेके जाना मुश्किल था। थोड़ा सा सालपट निकल गया है तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, अंदर से कीड़े मकोड़े कुछ दिख नहीं रहे। कौन है तुम्हारा गुरु? बेर गिल। हमारे बेर गिल हम बोली गई है उसके गाँव गए। जब कोकनकाड़ा का एक्सपीडिशन फिक्स होता था तो 2 महीने पहले ही प्रैक्टिस करते थे, अच्छा क्लाइंबिंग करते थे, हार्डकोर प्रैक्टिस करते थे। आता पण तो विचार योग करत आहे, हं योग करत पण विचार घंटा काय योग नाही, अल्पाइनला योग करत विचार। हमारी बोल्डरिंग वॉल जिम में थी, तो जिम में सभी लोग बॉडी बिल्डर्स रहते थे और वो बड़ा बड़ा वेट उठाते थे, और मैं लाइक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करता था। और तभी मैं पुलअप की प्रैक्टिस करता था, तो मैं हार्नेस लगा के उसमें वेट एक्स्ट्रा वेट लगा के क्लाइंब पुलअप करता था, और अराउंड 40 kg वेट लगा के मैं पुलअप करता था। तो मतलब मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, क्योंकि कोकनकाड़ा क्लाइंब करना है मुझे। लेकिन फिर गणेश नहीं करता तो वो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती, तो क्लाइंब करता है प्रैक्टिस में भी तो आता है, थोड़ा पेन होने के बाद वो फिर मोबाइल पे लगा रहता है या और टाइम पास करता है। तो मैं डेली एडवेंचर में काम करता हूँ, मेरा ड्यूटी आज 10 to 9 है, तो आप 10-11 घंटा काम करने के बाद वापस जाके प्रैक्टिस नहीं होता है। बोल्डरिंग वॉल पे मेरे को इतना मन नहीं लगता है क्लाइंबिंग करने के लिए, दैट्स मेन रीज़न, तो मैं इतना प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। सो बस जो भी है क्लाइंबिंग कर कर के मेरा बॉडी ट्रेन होता है बस। ये 2-3 साल में मेरे क्लाइंबिंग्स कम हो गए, इसके लिए वो थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा। क्या चल हम खुले एग्जॉस्ट बनाते थे। सगळं ऑलमोस्ट आता 50 लिटर पाणी आम्ही वरती आणलंय आणि बाकीचं सगळं सामान तुम्ही करा क्लाइंब मी नाही करत मस्करी नाही करत अरे उंजाईल पुढचं रेस्ट घेऊन टाक सांगितलं ना मला काय काबर नाही होणार माहित नाही मला काय। तो गणेश सर ने डिसीजन लिया कि आगे का क्लाइंब मैं नहीं करूँगा। सब शांत बैठ के अरे क्या करने का भी कोई कुछ बोल रहा ही नहीं था कि आगे क्या करेंगे। सब शांत बैठ के गणेश नहीं होगा तो कैसे क्लाइंब होगा। और 2 बार ये ड्रीम फेल हुआ है मेरा और लाइक ये 3री बार भी ऐसे कैसे हो रहा है। और मैंने गणेश को बोला नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता कि एक तो तेरे ऊपर ट्रस्ट है पूरा और क्लाइंब तो करना है। हम लोगों ने फोर्स किया क्यों 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 ये 3rd टाइम अपन करेंगे। योगेश भी है तुम्हारे साथ तुम तीनों मिलकर क्लाइंब कर लो। बोले नहीं 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 उनके मन में क्या बातें चल रही थी वो उनने बताया नहीं हमको। मैं बहुत डर गया इतना डर गया कि मेरे को सब कन्विंस कर रहे हैं कि तू क्लाइंबिंग कर गणेश क्लाइंबिंग होगा। मैं बोला बस मेरे से क्लाइंबिंग नहीं होगा। अल्पाइन छोड़ दो होंगे सब बोल रहे थे अल्पाइन बर कर लेंगे नॉर्मल क्लाइंबिंग करो। मैं बोला मेरे से क्लाइंबिंग होगा नहीं मेरे को जो गाली देना है दो मेरे से क्लाइंबिंग होगा नहीं। पूरी रात में सो नहीं पाया उस दिन जिस दिन गणेश ने गिव अप कर दिया था। और लाइक मैंने तो इतना भी डिसाइड कर लिया था कि बस ये मेरा आखिरी क्लाइंबिंग है इसके बाद में मैं फील्ड छोड़ दूँगा। ऐसे लगा कि इस साल भी क्लाइंब नहीं होगा। मैं तो बहुत रोया योगेश समझा रहा था कि यार होगा गणेश नहीं तो हम लोग जाते हैं। फिर भी जो गणेश के साथ बॉन्डिंग गणेश के साथ क्लाइंब है वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार कर पाएंगे करके। तो ड्रीम क्या होती है एक पार्टनर के बिना वो रोहित तो जानता ही था। मतलब पूरा निराश हो गया। रोहित बोल रहा था मैं नहीं क्लाइंब करूँगा तू नहीं क्लाइंब करूँगा तो मैं नहीं क्लाइंब करूँगा। उसको ऐसा ही लगा कि साथ छोड़ दिया। वो साथ छोड़ना नहीं था मैं तो सपोर्ट टीम के लिए आ गया था। मैंने सोचा नहीं फिर कि अभी क्या होगा क्योंकि मुझे क्लाइंब करना था क्योंकि ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुके थे। इस बार थोड़ा और पुश करता है देन देखते हैं क्योंकि इस बार गणेश भी अभी बैकअप टीम में गया था तो थोड़ा और कॉन्फिडेंट था और रिस्क फैक्टर तो है बट कैलकुलेटिव रिस्क है। मैंने बोला तुम क्लाइंबिंग करो मैं सपोर्ट टीम के लिए हूँ मैं ऊपर जाता हूँ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ मैं आता हूँ बिकॉज इतना पैच रात में करना। और वो बंदा पीछे रहता हमको कुछ टेंशन ही नहीं। इतना टेक्निकली हमारे गणेश सर स्ट्रांग है ना वो बंदा हमारे पीछे रहना हमको किसी बात की डर नहीं कि हमारे साथ क्या होगा कुछ नहीं। हमने सोचने लगे रोहित कि यहाँ पे हम अल्पाइन छोड़ देते नॉर्मल अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मेरे लिए बहुत वीकनेस बन गया था वो उस टाइम पे कि यार क्लाइंब होगा पता नहीं। फिर समीर जो है योगेश का पार्टनर बोल सकते हो आप। जैसे रोहित और मैं पार्टनर है वैसे समीर और योगेश समीर टीम में ऐड हो गया और वो तीनों ने क्लाइंबिंग स्टार्ट किया। आता अख्खा क्लाइंबिंग रोप ओढून घेता आउटेल Yogesh has done a wonderful day today. Wasn't easy, but this guy made it look pretty easy. Bravo! So next target is this roof till this Hassan age. How are you feeling right now to climb in the night, the most difficult part of the Kokankada? Honeybees around, your hang roof and all. तो जो हमारा एम था कि हनीबीज को क्रॉस करना है अंधेरे में वो तो नहीं हो पाया। रात्रभर क्लाइंब केल्यानंतरही सकाळी जेव्हा उजाडलं 7 वाजता तेव्हा आम्ही पाहिलं तर मधमाशांची पोळी आणि क्लाइंबर जवळजवळच सगळे दिसत होते। और हनीबीज थोडे मूवमेंट करने लगे वरतून काय निरोप येतोय का काय रेस्क्यूसाठी कॉल होतोय का सगळी टीम त्याची वाट बघत होती। पूरे सेक्शन में ऐसा है कि कहीं पे भी रुकने के लिए जगह नहीं है, पूरा हैंग होके सब काम करना है। हमारे पास पानी भी नहीं था, पानी ख़त्म हो गया था। तो समझ में आया, पूरी रात तक हम क्लाइंब कर रहे थे। उसके बाद हम 12 बजे फाल्कन लेक पे पहुँच गए। Morning breakfast is protein bar, dinner is protein bar, and lunch is protein bar, and we are living on protein bar. ससाना लेक, ये मेरा ड्रीम था और वहाँ पे मैं पहुँच गया था। कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ पे कोई आदमी रह सकता है। The most difficult part of this climb is to do susu. You have to take lots of effort. See this. Ah. 1, 2, 3. Come on. It's not coming. मैं और गणेश फिर कोकनकाड़ा के एज पे गए थे, फिर दोनों बैठे थे और लाइक बहुत ऐसे पूरा साइलेंट था। और मैं खुश था टीम के लिए, बट समवेयर इन माय हार्ट मैं नाराज भी था बिकॉज मेरा क्लाइंबिंग नहीं हुआ था। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये हमेशा रिग्रेशन रहेगा उसको कि लाइक उसने क्लाइंब नहीं किया है। फिर कोकनकाड़ा से आने के बाद फिर न्यूज़ आर्टिकल्स ये सब आने लगे। सुनने में आ रहा था कि पीपल वेर डाउटिंग अबाउट इज कैपेबिलिटी। बहुत लोगों को मेरे पे डाउट था कि यार बीच में से छोड़ दिया, करना चाहिए था। वो रेस्क्यू का बहाना बोल रहा है, बहाने दे रहा है। गणेश को थोड़ा लगा था कि उसका विल पावर कम हो गया है। तो ये जो सब बातें है वो सुन सुन के मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था। अभी वो कहाँ पे हो नहीं बता सकता, बट मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था। और समवेयर मेरा ईगो बीच में आने लगा था, बॉस अभी मुझे करना है, मेरे जान पे आएगा फिर भी करना है। He told us let's go for the fourth attempt and which I want to do as a summit for my summit. तो everyone is like मतलब क्यों अभी इतना अर्जेंट क्यों, कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। फिर मेरे को कोई सीरियसली नहीं लेता था। हाँ ठीक है सबको लगता था मैं डाउन है। सुनील सर थे या बाकी लोग थे, वो भी थोड़ा डाउटफुल थे, तो गणेश को बोल रहे थे क्यों करना है सर, अभी क्यों जाके पैसा वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। गणेश ने थोड़ा वो चीज़ पर्सनली ले लिया कि मेरे क्लाइंट के बारे में, मतलब मुझे क्लाइंब करना है तो अभी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या ऐसे। हाँ सब करते थे, बिकॉज मेरा डिसीजन एक बार बोल दिया करना है, बट किसी का ऐसा पॉजिटिव सपोर्ट नहीं दिख रहा था। मेरा ईगो और बीच में आने लगा, बस इतने साल क्लाइंबिंग साथ में कर रहे हैं, इतने क्लाइंबिंग को हम गए, इतने प्लान मेक किए, मैंने कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं किया, बस मेरे को क्यों डिमोटिवेट कर। अरे यार ये लास्ट टाइम तो छूटा था, तो इसके कैपेबिलिटी नहीं थी इसलिए छूटा था, या फिर सेम टाइम पे बैकअप टीम का सपोर्ट नहीं था इसलिए छूटा था, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आई वॉज डाउटिंग ऑन हिम कि इसका एक्चुअल में होगा या नहीं। प्रैक्टिकली कोई गलत नहीं था, बट इमोशनली बॉस हमने इतने साल साथ में किया है, तू भरोसा तो रख। सो सब सबके जगह सही है, बट वो दिल से है क्या वी आर पार्टनर्स। फिर रोहित और मैं, फिर हमारे में दूरी बढ़ने लगी, आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, समवेयर ट्रस्ट लेवल कम होने लगी। इतना ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव कर रहा था, लाइक सी दिस कैन बी माई लास्ट अटेम्प्ट ऑल्सो, इफ़ आई फेल दिस अटेम्प्ट देन आई डोंट नो। वो मेरा फियर है जो लास्ट टाइम अटेम्प्ट मैंने छोड़ा था जिस जगह पे, आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट फियर। सो इट्स नॉट फॉर एवरी वन बट इट्स फॉर मी। नेहा और मेरा एक बार झगड़ा हो गया, नहीं बोलते यार तेरे को कुछ हो गया था, बोला अभी दुनियादारी नहीं देखना है, मेरे को नहीं सोचना है घर का, मेरे जान पे आया फिर भी करना। एक बार वहीं से आ रहे हो और वापस जाना है उसी एरिया में, और वो इतना थ्रिलर है कि वहाँ पे जाके अभी लास्ट ईयर कुछ नहीं हुआ, इस साल कुछ हो गया तो क्या बोल सकते हैं। बट थैंक्स टू ऑल मेरा साथ किसी ने छोड़ा नहीं, उसे बोलते बॉन्डिंग। Rohit and Yogesh are already down here. They are getting cozy in their underwears with no one to watch us. Welcome to Advanced Base Camp. Thank you. पण मी काय म्हणतो जर क्लाइंब इथून चालू केलं तर होईल पण इथून अल्पन होईल इथून हा आपला रूटचा हा झाला बेस कॅम्प, कारण इथून खाली टाकणं परत वरती घेतलं सगळा कॉल मला इथन कडा क्लाइंब करायचा खालचं काही नाही। मग सर रोहितचा कॉल आहे, हा रोहित इथून अल्पन करू मग जर इथन लावू सेटअप अजूनच बेटर, मग पाणी खाली सोडले ते तेवढं आणू ना तेवढं लागेलच मला रॅपलिंगला वरनं पाणी घेऊ। भूपेश प्लॅनिंगमध्ये थोडेसे चेंजेस झालेत, मी याच्या आधी थोडं यांचं डिस्कशन झालेलं आणि मी पण ॲग्री केले। सो इथनं पुढे आता आम्ही अल्पाईन चालू करतोय, सो खाली जात नाही आहे, कारण ते फक्त जाऊन मरमर करण्यात काही तथ्य नाही आहे। स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स आर हियर इन अँड लास्ट इयर गणेश गॉट बिटन फ्रॉम गॉट स्टंग बाय स्कॉर्पियन। उद्याचं काय प्लॅनिंग आहे गणेश? उद्या सकाळी 6:30-7च्या आसपास क्लाइंब सुरू करायचा। अरे किचन मध्ये होतो म्हणून रेंज नव्हती, बोल ना। आमचे जेवण झाले, झोपतोय, सकाळी 6:30-6:30-6:30 कॉल दे। चहाची ऑर्डर बघ। काय विचार चाललाय गणेश? पोटात कळ तरी शेल आले। दरवर्षीचा कलर चॉईस करून नाही रे अरले कळतच नाही कुठला। पप्पा हे देवा नीट होऊन दे। And we are starting the climb. Coming. All right, Ganesh. Watch out, Rohit. All these guys have reached the starting point of the climbing patch. Nice, nice. I'm already there. I'm already there. It's just in my mind, but for now that is fine, 'cause I'm already there. I'm already there. Ganesh has reached at Lizard Head. वाचला भक्ति से तो वादा करे. Right now we are hauling all our food and water. I'm already there. I'm already there. It's just in my mind, but for now that is fine, 'cause I'm already. Ganesh is almost reaching the Sasana ledge. That is Ganesh and his port ledge that he made. That's second one. क्या मनते तब्बे? हाँ. बेसिकली प्रैक्टिस मने ना होतो बिकॉज ऑफ वर्कलोड प्रैक्टिस करायला वेळ नाही मिळत सो एनर्जी वाईज थोडा डाऊन झालो आहे पण गेन करतोय रेस्ट करतोय त्रास करतोय काय नाही सवय नाही त्यामुळे ॲप्स दुखायला लागले खाऊन एक तासभर झोप काढली का सगळं नीट होईल रोहित काय करते मला पोटी टाइम पोटी मेरे पास डाउट कुछ थे ही नहीं योगेश को थोड़े से डाउट्स आए सर पोटा दुखते हैं क्या करने का मैंने योगेश बोला तुझे क्या करना है तो योगेश ने मेरे को एक और बोला सर तुम क्या करने वाला है मैं बोला मेरे को तो क्लाइंबिंग करना है तू नया है तो मैं बोर्ड पे हैंग होके चला जाऊँगा ओके सर करते Come on. हम जिस तरफ हम लोग बैठे थे उनको देख रहे थे उस तरफ से दिख रहा था कि हाँ समिट हो गया बट फॉर मी इट वॉज लाइक जब तक ऊपर ना आए तब तक मेरे लिए वो समिट नहीं है It was the best moment. For me, it was... I can't tell you. This is where I belong under the starry sky where eagles have flown this place is paradise This a place that call home. Is up the hill. I've been